हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और आपने देखा होगा कि मैंने इडली डाला, ये डाला। तो मैं बता दूँ कि आज हमारा ब्रेकफास्ट में बन रहा है इडली फ्राई, और पतिदेव नहीं है तो हम ही लोग हैं। और माँ का क्या रोल होता है कि जो बच्चा खाता है माँ उसी में घुस जाती है, अपना कोई टेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए आज हम बना रहे हैं इडली फ्राई। इडली फ्राई के लिए हमने यहाँ पे लिया है हरा मिर्च, करी पत्ता और थोड़ा सा सरसों, और तेल में डाल के उसको तड़का लिया। उसके बाद एक चुटकी ट्रांसफर करके उसको फ्राई किया। साथ में थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें नारियल का बुरादा। आप चाहे तो यहाँ पे नारियल कट करके डाल सकते हो, इससे थोड़ा सा टेस्ट जो है ना अच्छा आएगा। इस जगह पे आप थोड़ा सा सिसमी सेस्ट, व्हाइट वाली जो होती है ना, यानी तिल, व्हाइट तिल आप डाल सकते हो। उससे भी हमारा जो इडली फ्राई का जो टेस्ट है, फ्लेवर है, बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हो। और साथ में वही चटनी है जो हम लोग इंजॉय करेंगे, खाएंगे इसको। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया रेडी, हम तो चले ब्रेकफास्ट करने। आप क्या देख रहे हैं, चलिए अभी ब्रेकफास्ट करने जाइए। तो हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब मैं बुटीक में आई हूँ। बच्चे रूम में ही हैं, वो लोग आराम कर रहे हैं। नाश्ता के बाद मैंने बोला था कि थोड़ा पढ़ाई कर लेना, तो वो लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं इस टाइम पे आई हूँ बुटीक में, बहुत सारा कपड़े कटिंग करना है। तो मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट हाफ में कटिंग कर लूँगी और सेकेंड हाफ में उसको स्टिच करूँगी, इस वजह से आई हूँ। जल्दी जल्दी कर रही हूँ और वीडियो को मैंने फास्ट कर लिया है, और खास करके आप ही लोगों के लिए है कि वीडियो बड़ा ना हो जाए, लेंदी नहीं हो जाए। अगर मैं पूरा डिटेल वीडियो डालती तो आप ही कहते कर रहे यार नहीं तो कितना बड़ा बड़ा वीडियो बना देती है, देखने का मन नहीं करता है। तो बस आप सभी के लिए मैंने वीडियो को शॉर्ट कर रखा। अगर आपको इस कटिंग पर डिटेल वीडियो चाहिए किसी भी चीज़ के लेके, कटिंग स्टिचिंग का, तो आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं अपने सेकेंड चैनल पर इसका कटिंग वीडियो डाल दूँगी। मैं बना रही हूँ आलू कटल फ्राई, ज़्यादा ग्रेवी नहीं, ज़्यादा मसाला भी नहीं। बहुत गर्मी आ गया है, सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो कुछ थोड़ा सा चटपटा और टेस्टी बिना मसाला का, थोड़ा लाइट सा मसाला है। तो इसके लिए मैंने लिया है कढ़ाई में सरसों तेल, उसमें डाला है हरी मिर्च, प्याज, और जब वो तड़का होने लगे, जीरा का मैंने तड़का दिया था, उसमें हरी मिर्च और प्याज डाला है। जब वो थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया, उसके बाद उसमें मैंने डाला है लहसुन, जीरा और गोलकी का थोड़ा सा पेस्ट, मात्र एक चम्मच पेस्ट, और उसके बाद थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद इसको फ्राई किया, मसाले जब फ्राई होने लगे तो उसमें आलू डाल के फ्राई किया है। और पटल को मैंने अलग से फ्राई करके रखा हुआ था, उसको उसमें मिक्स करके अब मसालों के साथ मैं फ्राई कर रही हूँ। अब हमारा जो ये पटल फ्राई लगभग रेडी हो गया है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। गाइस, यहाँ हमारा आलू पटल फ्राई हो गया है लगभग रेडी। अब इसमें लास्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता कट करके डाल देंगे। उससे क्या होगा कि ये देखने में तो अच्छा लगेगा ही, साथ में इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। और आप देख रहे होंगे कि इसमें ज़्यादा मसाला भी नहीं है, बहुत सिंपल से मसाले के साथ मैंने इसे बनाया है। पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मेरा वीडियो और वहाँ मौसम कैसा है नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ने लगा है। जैसे लग रहा है कि मई जून वाली गर्मी है, एकदम बर्दाश्त से बाहर है, नहीं लग रहा है कि शुरुआती गर्मी है। तो इसलिए मसाला वगैरह खाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा। पेपर में रखने से रोज़ रोज़ धनिया पत्ता लाना, हरी मिर्च लाना, इससे बहुत निजात मिल जाता है। और काफ़ी लंबे 10 से 15 दिनों तक ये आसानी से रह जाता है इस पेपर में, और बिल्कुल फ्रेश। एक बार मार्क जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा ये हेल्प हो जाता है। ऐसा होता है कभी कभी कि आप सब्जी लाने जाते हो, धनिया पत्ता भूल गए, हरी मिर्च भूल गए, तो आप एक बार याद करके जाइए लाने और उसको स्टोर कर लीजिए कुछ दिनों के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाता है। तो यहाँ पे पटल आलू फ्राई हो गया रेडी, उसमें मैं धनिया डाल रही हूँ टेस्ट और गार्निशिंग के लिए। तो गाइस, अब ये हमारा आलू पटल फ्राई हो गया है बिल्कुल रेडी। तो होपफुली गाइस आपको ये पसंद आ रहा होगा, बहुत ईजी है, नॉर्मल डेली में आप बना सकते हो। सब्जी बहुत टेस्टी लगता है और जल्दी भी बन जाता है। तो यहाँ पे हम अब दाल फ्राई कर रहे हैं। दाल के लिए मैंने जीरा और हींग से उसको फ्राई किया, मिर्ची नहीं डालती हूँ बच्चों को लेके, और हींग पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। खुशबू मुझे नहीं पसंद है, बट खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ससुर को पता चल जाता है कि ओ हींग वाली दाल है, मुझे हींग की दाल बहुत पसंद है।
बिना सूखी दाल वो सूखी नहीं सकते, तो कलर दाल बनाओ लहसुन से उसको फ्राई करो, और मुझे उसका स्मेल बिल्कुल अच्छा नहीं, लेकिन पसंद है तो बनाना है। तो लगभग यहाँ पे हमारा खाना हो गया है रेडी। अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाने, तो रोटी जितनी लगेगी मैं उतनी बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग गर्मा गर्म रोटी ही खाना पसंद करते हैं। हस्बैंड का चॉइस है गर्मा गर्म रोटी, इसलिए बच्चों का भी चॉइस हो चुका है गर्मा गर्म खाना। तो यहाँ हो गया, मेरा रोटी बन गया, अब मैं जा रही हूँ चावल थोड़ा सा खाने। दाल बन गया है मेरा, दाल को खाली करूँगी, थोड़े कुकर में चावल बनाऊँगी, और रोटी तो हो गया है सब कुछ, और पपीता है, पपीता का थोड़ा सब्जी भी बना देते हैं, अच्छा हो जाएगा लंच। लंच में हस्बैंड को रोटी एकदम चाहिए, तो जब वो रहते हैं दोपहर में या आते हैं या बोल के जाते हैं कि मैं आऊँगा, तब मैं इसी तरह से तैयारी करती हूँ, रोटी भी बनाती हूँ। पता नहीं गला क्यों खसखस कर रहा है। तो अभी क्या करना है कि एक साइड हम पपीता जो होता है पपाया उसका भुजिया चढ़ाएंगे, और एक साइड में चावल चढ़ा देंगे, तो हमारा ये दोपहर का हो जाएगा काम फिनिश। पपीता के भुजिया के लिए थोड़ा सा मेथी, जब ये चटकने लगेगा तो उसमें पपीता डाल देंगे। पपीता को मैंने इस तरह से कट किया है छोटे छोटे स्लाइसेस में, पतले पतले से, ताकि ये जल्दी कुक हो जाए। ऐसे पपीता को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है इस तरह से, और इसलिए मैंने थोड़ा सा पतला पतला करके कट किया है इसको। जैसे कद्दू वगैरह में पानी छूटता रहा, इसमें उतना पानी होता नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही कट करती हूँ, कट करके धो लेती हूँ, ताकि उसके साथ थोड़ा सा पानी जाता है और साथ में अच्छे से ये कुक हो जाता है। तो यहाँ मेरा मेथी ऑलरेडी हो गया है, तब इसमें मैं डाल दे रही हूँ पपीता को। जो बिगनर्स है जो भी इस तरह से कुक करे, तो थोड़ा सा पीछे हट के ऐसे करें, छिटका उड़ेगा और हाथ मुंह पे लगता है। मैं तो सोचती हूँ कि जब 10+ बच्चे हो जाए, 10+, तो उनको भी कम से कम दाल चावल या आलू का चोखा ये इतना कुछ आना चाहिए, हो सके कभी इमरजेंसी केस हो जाए और बनाना पड़े और उनको आता ही नहीं है, तो फिर वो क्या बनाएंगे और क्या खाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा बच्चों को प्रिपेयर करते रहना चाहिए। इसको ढक देते हैं, और इस तरफ मैंने चढ़ाया है चावल, मेरा एक सब्जी दाल हो चुका है, रोटी हो चुका है, अभी हवा है चावल, और ये है पपीता का भुजिया। अब इसको हम ढक देते हैं। तो मेथी का तड़का देने के बाद जब हमारा मेथी हो गया, तो मैंने यहाँ पर पपीता कट कट के डाला था, उसको ढक ढक कर मैंने दो मिनट पकाया ही होगा, 2 मिनट कुक किया। उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले एक एक करके ऐड कर रही हूँ। तो मसाले कुछ इस तरह से हैं, मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, और थोड़ा सा लहसुन और जीरा बुलकी का थोड़ा सा पेस्ट, एकदम 1/2 चम्मच। तो ये हमारा भुजिया भी लगभग अब होने जा रहा है, बस 5 मिनट और उसको कुक करेंगे, और चावल हमारा हो गया, यानी हमारा दोपहर का लंच हो गया है रेडी। तो चलिए
मुझे तो भूख लगा है, मैं तो चलती हूँ खाने। गाइस यहाँ पे हमारा हो गया है चावल रेडी और लास्ट में बन रहा है हमारा वही पपीता वाला भुजिया। तो हमारा भुजिया भी लगभग रेडी है, बस 5 मिनट और उसको हम लोग कुक करेंगे। तो लगभग 5 मिनट हो गया है और यहाँ हमारा लग रहा है ना कि ये जो पपीता वाला भुजिया है ये लगभग रेडी हो गया है। आप देख सकते हो कि ये अच्छे से कुक हो गया है। हमारा जो लंच है वो बिल्कुल हो जाएगा रेडी। अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है और हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली में इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूले। और अपने अच्छे अच्छे सुझाव हमें देते रहिए कि हमें अपने चैनल पे और क्या करना है। जब भी किचन में काम उम करे ना और गैस चूल्हा जो भी होता है तो काम करने के बाद हल्के हाथों से, मेरे हाथ तो साफ करती ही है लेकिन हल्के हाथों से उसे पोंछ ही देना चाहिए, ऐसे छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। तो ये मेरे आदत में शामिल है कि रोटी बनाया तो थोड़ा सा पोंछ दिया या फिर थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। जब तबीयत ठीक नहीं रहता तभी छूटता है कि चलो, उसमें तो खाना बनाना भी बहुत भारी रहता है। और अकेले काम करने का क्या होता है ना कि अक्सर आपका मन कुछ ना कुछ तबीयत खराब से ही लगा रहता है, क्योंकि आप जिस हालत में होते हो, जिस कंडीशन में होते हो, आपको तो काम अपना पूरा करना ही होता है। अदरवाइज घर में अगर कोई हेल्पिंग हैंड्स होता है तो आप क्या करते हो कि चलो मुझे आज मन नहीं है तो वो आपका काम कर दिए। लेकिन अकेले रहने पे क्या होता है कि आपको जिस मूड में भी हो काम आप ही पे डिपेंड करता है। तो ऐसे करके जो बॉडी का जो टेम्परेचर या कुछ वीकनेस पॉइंट रहती है कि वो धीरे धीरे कभी कम हो जाता है तो कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है कभी बढ़ जाता है। ये हम लोग लगभग हमारे देश के या सोसाइटी के सभी औरतों के साथ ही होता है जो कि अकेले रहती हैं। और अक्सर कभी लगेगा कि आज ये प्रॉब्लम है तो कल वो प्रॉब्लम है, ऐसा कभी समटाइम ही लगता है कि बंदा हमें स्वस्थ है तो उसे लगता है कि भाई लाइफ में मजा आ गया, आज तो कुछ नहीं है अच्छे से। तो ऐसा शायद कम ही दिन होता है जो ऐसा महसूस हो, नहीं तो कुछ ना कुछ तो लगा रहता है। कभी हेडेक है तो कभी पैर में दर्द तो कभी पेट में दर्द, तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। और आराम करने का मेन कारण कि आराम करने का कभी टाइम नहीं मिलता है, इस कारण से भी होता है। और इनफेक्ट यू कहे कि तबीयत भी खराब होने का हक नहीं होता है कि चलो भाई तबीयत खराब हो गया थोड़ा सा रेस्ट ले लूं, बट ऐसा पॉसिबल कहाँ होता है कि आपका तबीयत खराब हो और आप रेस्ट ले लें, पॉसिबल ही नहीं है। ना ही आपका ये मदद करने के लिए कोई फैमिली में होता है और ना ही आपके पास टाइम है, क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा होती है कि आप रेस्ट ले भी नहीं सकते हो। जो जो लोग मेरी बात से सहमत है प्लीज कमेंट करना कि क्या सबके साथ ऐसा ही होता है। मुझे अच्छा लगेगा जान के कि सच में जो मेरा अनुमान लग रहा है वो सही है क्या। बस बने रहिए इसी तरह हमारे चैनल के साथ और हमारे ब्लॉग के साथ, अपना सपोर्ट देते रहिए और बस आपके प्यार और आपके सपोर्ट के आश्रय में हूँ नीतू श्री। तो ये रहा गाइस हमारा आज का लंच, ये रहा चावल, आलू पटल फ्राई, अरहर की दाल, साथ में लहसुन के जो पत्ते होते हैं ना उसके अचार, और ये रहा पपीता का भुंजिया। तो ये रहा आज का हमारा लंच। होप सो गाइज आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारी रेसिपी और वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। बस इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। तो मिलते हैं फिर हम थोड़े से ब्रेक के बाद। तो इस तरह से गाइस दोपहर हमारा ख़त्म हुआ और अभी लगभग 3:30 बज रहे हैं और ऊपर का काम लगभग हो गया, ऊपर मेंस रूम का काम, बच्चे खाली है, मैं भी खाली। तो सोचा कि चलो अब बुटीक चलती हूँ और जो काम को मैंने रखा था उसको कर लेती हूँ। कुछ कपड़े बहुत सारे हैं जो कटिंग करके रखे उनको भी फिनिश करना है, तो एक एक करके मैं जितनी साड़ियाँ थे उसको पिको करी और जितने कपड़े थे उसको मैं स्टिच कर रही हूँ एक एक करके। और वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने उनको फास्ट ट्रैक पे रखा है ताकि जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए। बहुत सारे कपड़े हैं और मेरा हालत देख के पता लगा सकते हैं कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और मेरे जो हेयर होते हैं ना गर्दन वगैरह पे टच करते हैं तो बहुत अजीब सा फील होता है, इसलिए मैं सब हमेशा ही उनको ऊपर में ये बन बना के रखती हूँ, जूड़ा बना के, ताकि मुझे डिस्टर्बेंस नहीं हो। और एंजल देखिए बीच बीच में आके डिस्टर्ब करते रह रही है,
जब भी मैं उधर देखूँ तो आप समझना कि एंजल ही हैं, कुछ ना कुछ कमेंट पास करते रहती है। और दिन भर घर में रहती है तो बहुत सारा ड्रेस ट्राई कर करके भी दिखाते रहती है, मम्मी ये पहन लूँ ये पहन लूँ। तो दिन भर में बहुत सारे कपड़े वो यूज़ कर लेती है इसी तरह से। तो एक एक करके आज लगभग लगभग मेरा 7 बज गया है शाम को, सिलाई करते करते बैठे बैठे पता ही नहीं चला। और घर में आई तो वीडियो रिकॉर्ड करने का बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला। तो मेरा रात का जो डिनर है वो है ये सत्तू का पराठा, आलू फ्राई, साथ में एक मीठा सलाद और थोड़ा सा दही। तो होप सो गाइस आपको ये पसंद आ रहा होगा। दही को लगभग मैंने 3 से 4 बजे जमाया था और 7 बजते बजते बहुत ही अच्छे से वो जम गया था। 3 से 4 बजे तक इस अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, लेकिन इसके कारण क्या हुआ कि मेरा दही बिल्कुल फ्रेश आया। दही देख के ही मुझे ध्यान आया कि चलो आज सत्तू पराठा बनाते हैं। तो आज का डिनर मुझे तो बहुत पसंद है, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय माता दी। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, टेक केयर, बाय।